Now we'll discuss question number 7. On a clock, there are two instants between 12 noon and 1 p.m. when the hour hand and the minute hand are at right angles. The difference in minute between these two instants is written as a plus b upon c, where a, b, c are positive integer, with b less than c and b upon c in the reduced form. Then what is the value of a plus b plus c? तो अपन को क्वेश्चन में गिवन है कि दो इंस्टेंट ऐसे आते हैं 12 बजे से 1 बजे के बीच में कि आर एंड एंड मिनट एंड के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है. तो पहला इंस्टेंट मैं मान लेता हूँ ये है, सेकंड इंस्टेंट ऐसा कुछ बना होगा, ये 12 नून एंड ये 1 पीएम, तो सेकंड इंस्टेंट कुछ ऐसा बना होगा जहाँ पे ये अपनी और एंड है और ये अपनी मिनट हैंड है, इसमें ये अपनी और एंड है और ये अपनी मिनट हैंड है, ये बन रहा है अपने पास 90 डिग्री एंगल. तो फर्स्ट केस में मैं मान लेता हूँ कि ये आफ्टर एक्स मिनट बना होगा और सेकंड केस में मैं मान लेता हूँ आफ्टर ये वाई मिनट बना होगा. ऐसा पॉसिबल केस कब बना होगा? वाई मिनट के बाद में. तो अगर ये चीज़ एक्स मिनट के बाद में बन रही है और ये अपन को पता है कि एक मिनट में 6 डिग्री क्लॉक रोटेट होता है आर एंड मिनट हैंड, एंड 1 आवर में 30 डिग्री रोटेट होता है आवर एंड. तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि x मिनट के अंदर आवर एंड और मिनट हैंड में कितना डिफरेंस रहा होगा. वो डिफरेंस अपन को गिवन है 90 डिग्री, तो मैं उसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? अगर एक मिनट में 6 डिग्री रोटेट हो रहा है तो x मिनट में कितना होगा? 6x. सिमिलरली आवर एंड कितना होगा? आवर एंड अगर देखो x मिनट में कितना ओवर होगा, x अपॉन 60, और एक आवर में कितना हो रहा है 30 डिग्री, तो इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. यहां पे अपने पास आएगा ये 90. सिमिलरली सेकेंड जो केस है उसके अंदर मैं मान लेता हूँ वाई मिनट में, वाई मिनट पूरा ट्रेवल कर रहा है मिनट हैंड, तो वाई मिनट में कितना डिग्री रोटेट होगा? 6y, और आवर एंड कितना हो जाएगा? वाई अपॉन 60 into 30. ये अपने पास हो जाएगा 270 डिग्री. ध्यान से देखोगे तो ये 270 डिग्री रहेगा क्योंकि वो आवर एंड कुछ डिग्री रोटेट हुआ, मिनट हैंड बहुत ज़्यादा रोटेट हुआ, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहेगा? 270 डिग्री. तो फर्स्ट इक्वेशन से अपने पास x की वैल्यू आएगी 180/11 और सेकेंड इक्वेशन से अपने पास y की वैल्यू आएगी 540/11. अपन से क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों मिनट्स के बीच में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों मिनट्स के बीच में अपन को डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 540/11 माइनस 180/11, जिसको मैं लिख सकता हूं 360/11. अगर इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ये अपने पास आएगा 32/8/11 विच इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन सी. ये क्वेश्चन में गिवन था कि b अपॉन c अपने लोवेस्ट फॉर्म में होगा, तो अपने पास क्या आया 32/8/11 इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन c. तो यहां से अपने पास ये आ जाता है कि a 32 है, b 8 है और c 11 है, और अपन से वैल्यू क्वेश्चन में क्या पूछी थी a प्लस b प्लस c, तो वो अपने पास आ गई कितनी 51. दिस इज ओवर फाइनल आंसर.